गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली ओनली नॉट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, इट्स आल्सो यूजफुल फॉर द एमबीबीएस इंडियन स्टूडेंट। कैसे? वो जैसे जैसे हम लोग ये बात करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वो आपको पता होता जाएगा। MBBS abroad, it's a very easy task for everyone. See, कोई भी इसको एडमिशन करवा सकता है। ज़्यादातर जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो यूट्यूबर है या तो फिर ट्रैवल एजेंट है, जिसके ऊपर सबको ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है आज की डेट में। ओरिजिनलिटी जो है वो किसी को नज़र नहीं आती है कहीं पे भी। अभी यूट्यूबर होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे जाके वीडियो बना दिया, आपको दिखा दिया, आप खुश हो गए कि भाई चलो बच्चा सेफ है। बट यूट्यूबर सीमित है सिर्फ 6 महीने में एक बार की विजिट के लिए, कि वो कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो कोई एक यूनिवर्सिटी तो प्रमोट कर नहीं रहा है। हर साल उसको नई प्रोडक्ट चाहिए, हर साल वो अलग अलग कॉलेज में जाते हैं, हर साल अलग अलग कॉलेज की वीडियो बनाते हैं और आपको मिसगाइड कर रहे हैं। और दूसरे जो है ट्रैवल एजेंट, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कंट्री के बारे में, आपको अच्छे अच्छे पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल एजुकेशन से रिलेटेड बिलोंग करते हैं जो बंदे, वो आपको रियलिटी बताएंगे एजुकेशन के बारे में। सो आज हम थोड़ा एक पॉजिटिवली एक टॉपिक लेके जा रहे हैं आगे, जिसका नाम है आईफॉम। यस सर, आईफॉम, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिसिन, ये उसका फुल फॉर्म है। अभी इंटरनेशनल वर्ड से तो पता चल गया होगा कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ये कुछ एग्ज़ाम है, लेकिन सुना नहीं है। काफ़ी सारे कंसल्टेंट लोग को ये चीज़ पता भी नहीं होगी, व्हाट इज़ द आईफॉम। आईफॉम की अगर मैं बात करता हूँ तो आईफॉम वो बॉडी कंडक्ट करती है जिसका नाम है NBME, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। NBME बोर्ड किधर का बोर्ड है? इट्स अ बोर्ड ऑफ US गवर्नमेंट। और ये बोर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? दूसरा, आई थिंक सब लोगों को एक नाम पता होगा, USMLE, फॉर द एंटर इन USA फॉर द PG लेवल एडमिशन। सो USMLE की बात करो या आईफॉम की बात करो, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जाम, बट बच्चों को पता नहीं होता है। होता क्या है, अक्सर USMLE का एग्जाम अगर आप देते हो तो उसका एक्सपेंस ज्यादा रहता है एग्जाम का। लेकिन अगर मैं आईफॉम की बात करूं तो इट्स नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव। आईफॉम एक्चुअली है क्या? IFOM, it's a designed exam by the US government for testing yourself for the USMLE level. It's a one kind of mock test series, जिसका marks कहीं पर भी US में उसका consider नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक testing exam है जो दो part में ली जाती है, IFOM 1 and IFOM 2. वो दोनों पार्ट की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू विल एबल टू चेक योरसेल्फ, आर यू एबल टू क्वालिफाइड USMLE और नॉट। सो ये टेस्टिंग एग्ज़ाम है, इट्स अ पायलट एग्ज़ाम फॉर टेस्टिंग योरसेल्फ। इट्स यूजफुल फॉर द इंडियन स्टूडेंट एज वेल एज यूजफुल फॉर द अब्रॉड स्टूडेंट। हम अभी इसके बारे में आगे वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द आईफॉम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द आईफॉम, जो मैंने आपको बताया कि आईफॉम इट्स अ पायलट एग्ज़ाम, इट्स अ टेस्टिंग, सेल्फ टेस्टिंग एग्ज़ाम है। उसके कुछ हिडन बेनिफिट्स है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा क्या बेनिफिट्स है। सो उसके बाद एक चीज़ आती है माइंड में कि इज़ इट कंपलसरी? नो, इट्स नॉट अ कंपलसरी, इट्स नॉट नेसेसरी। बट हाँ, सेकंड थिंग, अगर आप यूक्रेन जा रहे हो MBBS की स्टडी करने के लिए,
देन यूक्रेन के अंदर थर्ड ईयर एंड सिक्स ईयर के अंदर एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट की, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम रहती है वैसे उस टाइप की थर्ड ईयर के स्टूडेंट को और सिक्स ईयर के स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम रहती है जिसका नाम है क्रॉक। सो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रॉक के ऊपर भी एक टॉपिक अलग से आएगा हमारा। इट्स वन एग्ज़ाम, इट्स अ सेंट्रलाइज एग्ज़ाम, जो तीन साल में आप पढ़ाई किए हुए हो उसका आपको एक बार एग्ज़ाम देना पड़ता है वहाँ पे, और दूसरा एग्ज़ाम उसका छः साल के बाद आता है। तो इट्स अ मेडिकल सब्जेक्ट एग्ज़ाम ओनली, और वो सेंट्रलाइज होती है। सो आईफॉर्म अगर आपने दिया हुआ है तो आपको क्रॉक देने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप आईफॉर्म क्वालिफाइड कर रहे हो देन आईफॉर्म इज़ अ कंसिडर एज ए क्रॉक ऑल्सो, और मे बी इन फ्यूचर क्रॉक वहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे आईफॉर्म ही आ जाएगा। अभी फ़िलहाल बोल नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी, चांसेस है। बेनिफिट्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, दूसरा एक बेनिफिट जो रहता है कि कुछ गल्फ कंट्रीज है जो आईफॉर्म को एज ए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंसिडर करती है फॉर द पीजी लेवल एडमिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब्रोड से MBBS किया है, आप इंडिया में पीजी क्रैक नहीं कर पाए, आप US के अंदर USMLE क्रैक नहीं कर पाए, देन यू हैव वन अदर ऑप्शन अवेलेबल इन द गल्फ कंट्री लाइक कतार। कतार के अंदर हमाद करके इंस्टीट्यूट है, वो आपके आईफॉर्म को कंसिडर करती है फॉर द पीजी लेवल एडमिशन। हम अब आगे डिस्कस करेंगे आईफॉर्म के बारे में वन बाय वन, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या उसका चार्जेस रहता है फीस का वगैरह, कौन सा टाइम बेस्ट रहता है, हर एक चीज़ एक एक करके हम लोग लेके आएंगे। आईफॉर्म एक्चुअली 2009 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है बोर्ड US के अंदर, उन्होंने क्रिएट किया था। तो 2009 से ये शुरू हुआ था और आज की डेट में अच्छा खासा उसका यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज इट्स अ वन काइंड ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आईफॉर्म की मैं बात करता हूँ, इन द आईफॉर्म देर आर टू पार्ट्स, वन इज अ BSE बेसिक साइंस एग्जाम, एंड सेकेंड इज अ CSE क्लिनिकल साइंस एग्जाम। दो पार्ट के अंदर होता है, एक बेसिक साइंस के सब्जेक्ट में होता है और दूसरा छः साल के बाद जो आता है क्लिनिकल साइंस के सब्जेक्ट के बेस पे आता है। दूसरी, अगर हम मैंने जो बोला आपको कि आईफॉर्म जो है उसका एग्ज़ाम का चार्जेस बहुत कम होता है, अराउंड $200 फॉर द BSE एंड अराउंड $300 फॉर द CSE। सो टोटल अगर एक्सपेंस हम लोग काउंट करेंगे इट्स $500 ओनली। लेकिन अगर आप USMLE की बात करते हो तो इट्स मोर एक्सपेंसिव, इट्स अराउंड $3,000 फॉर द बोथ एग्जाम। और दूसरा चीज क्या हो जाता है कि आपने आईफॉर्म दिया हुआ है तो USMLE से पहले अगर आप आईफॉर्म दे रहे हो, हम आपको दिखाएंगे कि आईफॉर्म को यूटिलाइज कहाँ पे करना है। अगर USMLE से पहले आप आईफॉर्म दे रहे हो तो आपको एक पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। आपने अगर सडनली USMLE का एग्ज़ाम दे दिया तो एज पर US गवर्नमेंट रूल्स 192 इट्स अ मार्क्स इज अ फॉर पासिंग एंड फॉर द क्वालिफाइड इन द USMLE एवरी ईयर इट्स चेंज। लास्ट ईयर 230 था तो इस साल 235 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। सो अगर आप क्वालिफाइड पास हो जाते हो लेकिन क्वालिफाइड नहीं होते, Once you will pass the USMLE exam, your marks will be blocked for the 7 years. आप पास तो हो गए लेकिन आप क्वालिफाइड नहीं हुए तो उस मार्क्स का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि 7 साल के लिए तो आपका स्कोर ब्लॉक हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने आईफॉर्म का मॉड्यूल लिया हुआ है देन दे विल अलाउ यू टू गिव मॉक टेस्ट सीरीज विद द आईफॉर्म। सो वो मॉक टेस्ट सीरीज से आप खुद को एक सेल्फ टेस्ट ले सकते हो, इवन इन द फाइनल आईफॉर्म एग्जाम यू विल नो योरसेल्फ बेटर व्हाट्स योर रियल स्कोरिंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल एबल टू गिव द USMLE 1 एग्जाम।
उसका एक चार्ट है हमारे पास, वो मैं चार्ट आपको भी एंड में शो करूँगा कि आईफोम में कितना मार्क्स आया हुआ है तो यूएसएमएलई में कितना आ सकता है. इट्स अ कंपेरिजन चार्ट मेड बाय ओनली एनबीएमई, नॉट बाय मी. सी यहाँ पे जो भी मैं बात करूँगा इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, नॉट डिजाइन बाय माई सेल्फ, नथिंग. मेरे जो भी वीडियो आएंगे हर एक होंगे रियलिटी बेस पे, हर एक वीडियो होंगे एविडेंस बेस पे. यहाँ पे जो एविडेंस है, हाँ शायद कुछ डेटा एक महीना गलत हो, पुराना हो सकता है, दो महीना पुराना हो सकता है और नया उसके बाद कुछ आया है तो मे भी शायद कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा कभी नहीं हो सकता. सो जो ये एग्ज़ाम है आईफोन वन आपने दिया है तो आप यूएसएमएलई वन ईजिली दे पाएंगे, अगर आईफोन टू दिया हुआ है तो आप यूएसएमएलई टू दे पाएंगे. अभी मैं आईफोन की अगर बात करता हूँ लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम, तो आईफोन की बीएससी एंड सीएससी दोनों एग्ज़ाम दो लैंग्वेज में ज़्यादातर अवेलेबल रहती है, एक है इंग्लिश एंड दूसरा है स्पेनिश. लेकिन सीएससी की अगर बात करता हूँ तो उसमें एक लैंग्वेज का ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो होता है पोर्टुगल. मीन्स टोटल तीन लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम ली जाती है. आपको जो कंफर्टेबल है आप ले सकते हो, वैसा नहीं है कि आपको कोई अलग लैंग्वेज लेनी नहीं पड़ेगी. दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो आईफॉर्म इट्स ए यूनिवर्सल एग्ज़ाम. पूरी दुनिया में कोई भी बंदा कहीं पे भी हो ये आईफॉर्म की एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, वो मेडिकल ग्रेजुएट्स होना चाहिए. समझ गए? ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई भी दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है. प्रोमेट्रिक सेंटर जो अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है, पूरे वर्ल्ड में वो अवेलेबल होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात आईफोन के अंदर क्या आती है कि उसमें कोई फेल या पास का कोई रेशियो नहीं है, लेकिन हर एक कंट्री को एक राइट्स दिया गया है आईफोन के अंदर कि वो खुद से डिसाइड करे व्हाट इज़ द पासिंग और फेलिंग रेशियो. सो उस स्कोर के बेस पे कुछ कुछ कंट्री अपना एक स्कोर बाउंड करके चलती है, लेकिन वो क्या होता है एक्चुअली कि फॉर एग्जांपल 2017 के अंदर आईफोन की एग्ज़ाम हो गई, उसका लास्ट कट ऑफ जो आया वो सपोज 450 आया हुआ है, देन 2018 के अंदर वो कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा 450, लेकिन अगर सेकेंड ईयर में वो 350 आया है तो 2019 में हो जाएगा 350. सो द स्कोर द कंट्री विल असाइन विद द हेल्प ऑफ द लास्ट ईयर स्कोर, जो भी लास्ट ईयर का स्कोर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा. लेकिन आईफोन के अंदर कोई रूल नहीं है कि कोई फेल होगा या पास होगा. जैसे और दूसरा मैंने एक चीज़ बताया था कि कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो उसको एज ए एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर करते हैं फॉर द इंटर्नशिप एंड पीजी प्रोग्राम, जैसे कि कतार के अंदर है, और इन फ्यूचर ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं क्योंकि आईफोम का अवेयरनेस धीरे धीरे मार्केट में जा रहा है, पब्लिक को पता नहीं है, इसके लिए दिक्कत है और उसी लिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं आज. हमाद मेडिकल कॉरपोरेशन जो है कतार के अंदर वो उसको कंसिडर कर रहा है, दूसरी भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे स्पेन के अंदर है, कुछ कुछ गल्फ के अंदर भी कुछ और इंस्टीट्यूट है. दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो या अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको यूएसएमएलई नहीं भी देना है तो आईफोम देके आप खुद के एक लेवल को चेक कर सकते हो, वो आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप इंडिया आके पीजी देने जा रहे हो, क्योंकि आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर एक्टिव पर्सन इन योर स्टडी, आप सीरियस हो चीज़ के बारे में. तो उसके लिए आप आईफोम देंगे, आईफोम देने के बाद आपको खुद को पता चल रहा है कि चलो मेरा स्कोर यूएसएमएलई को मैच कर रहा है तो मैं यूएसएमएलई ट्राई करता हूँ, अदरवाइज फालतू के पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. और आईफोम ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दिया दूसरी बार नहीं दे पाएंगे, आपको दीजिए, देना ही दीजिए ना, कोई बात नहीं है. सेल्फ टेस्ट करते रहिए, आप खुद को टेस्ट करना ज़रूरी है. डॉक्टर बनने के बाद भी आपको पढ़ाई पूरी लाइफ चालू रहेगी. मेडिसिन एंड दूसरा एक आईटी, ये दो फील्ड ऐसा है
जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना है पूरे साल भर नहीं, पूरी लाइफ भर। हर बार कुछ न कुछ नया आएगा इन्वेंशन, हर बार कुछ न कुछ नया बीमारी आएगा, आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो वो आदत आप यहाँ पे आईफोन के बेस पे डाल दीजिए, खुद को एक्सेस करना शुरू कीजिए कि आप कौन से लेवल पे बिलोंग करते हो एज पर एज़ कम्पेयर टू द USMLE, बिकॉज USMLE इज़ द टफ एग्जाम इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करते बेसिकली तो टोटल तीन पार्ट आ जाते हैं आईफोन के अंदर। एक होता है बेसिक साइंस BSc, दूसरा होता है CSE क्लिनिकल साइंस, और तीसरा जो होता है CSSA क्लिनिकल साइंस सेल्फ असेसमेंट एग्जाम। तीन पार्ट रहते हैं बेसिकली, लेकिन ज़्यादातर जो अवेयर होते हैं वो BSc CSE के बारे में अवेयर होते हैं, थर्ड पार्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इवन कई लोगों को तो आईफोन के बारे में पता नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ BSc के अंदर और उसका कंप्लीट एक व्यू बना के आपको मैं बात करता हूँ, तो BSc की जो एग्ज़ाम होती है वो कौन कौन से सब्जेक्ट को कंसीडर करती है, जिसके अंदर एक है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी। और ये जो एग्ज़ाम होती है ओनली कंडक्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। स्पेनिश में होता है, वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे। एग्ज़ाम का जो फीस होता है वो $150 टू $200 के आसपास रहता है। और ये एग्ज़ाम जो देनी है, अगर इंडियन स्टूडेंट है आप तो सेकेंड ईयर के बाद दे सकते हैं, और अब्रॉड के स्टूडेंट हैं तो आप थर्ड ईयर के बाद दे सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपके सब जब कवर होंगे, सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद एग्ज़ाम देना बेटर है। तो उससे पहले जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं USMLE का पहले साल से प्रिपरेशन, अरे भाई ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है बच्चा, तो पहले साल से USMLE लिख क्या मतलब है? पढ़ाई मेडिकल की करेगा, ये देखिए ये चीज़ क्या हो जाती है जो बोलते हैं आपको पेरेंट्स लोग, आज की डेट में लालची है, दिक्कत वहाँ पे हो रहा है। मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन ये सही बोल रहा हूँ। एक बार झटका लगा है आपको तो आप दूसरा झटका लेने जा रहे हो। आपके सामने है प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल, आपका बेटा या बेटी जो स्टेट बोर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपने उसको कहाँ पे रखा? एलएन और आकाश के अंदर। वहाँ पे क्या हो गया? नीट का यूजी का कोचिंग फुल फ्लेज में शुरू हो गया। बच्चा नीट में लेके आ गया 450-500%, लेकिन यूजी के अंदर गिर गया नीचे। दिक्कत क्या होती है? सी, आपने दे दिया USMLE, मैं मान रहा हूँ दे दिया, चलिए। मेडिकल की पढ़ाई अलग से हो रही है, USMLE का पूरा पोर्शन अलग से है, और जब बच्चा इंडिया आएगा तो US का एग्ज़ाम पैटर्न टोटली डिफरेंट, यहाँ पे नीट PG का टोटली डिफरेंट। अगर वो USMLE क्रैक नहीं कर पाया और 3 साल जो वहाँ पे अंदर घुसा हुआ है USMLE के लिए, वो नीट PG पूरा उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे वो क्रैक ही नहीं कर पाएगा। और वो नीट PG था, अब तो ये एक एग्ज़ाम हो गया नेक्स्ट के अंदर तो एक ही एग्ज़ाम कॉमन हो चुका है, नेक्स्ट के अंदर उसको क्वालिफाइड होना या पास होना है। सो डोंट गो फॉर द USMLE बिफोर सेकेंड ईयर। अगर कोई दे रहा है वो उसको उसके जेब भरनी है, उसको पैसा कमाना है, और वो लोगों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, उनका काम एक ही है, पैसा हटना आपसे, उसके बाद आपको उसका रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। चीज़ें दी जाएंगी, वो लोग खुद को बहुत बड़ी कंपनियों से बड़ा दिखा रहा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जो भी डॉक्टर US के अंदर सेटल्ड है उनको पूछो आपने कौन सी कंपनी का USMLE कोचिंग लिया था, वो नाम एक ही बताएंगे आपको, कैपलन का। ज़्यादा कोई ऑप्शन किसी के पास मिलता नहीं है जल्दी, और कुछ होंगे तो भाई प्रोफेशनल ही होंगे। अब किस बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हो? कोई ट्रैवल एजेंट जो USMLE आपको हाथ में पकड़ा रहा है विदाउट द नॉलेज, फुल नॉलेज नहीं है, आधा गड़ा होता है ना, वो ज़्यादा छलकता है, वो आधा नॉलेज लेके बैठे हो, ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, और आप उनके बीच वहाँ पे जाके आपके बच्चे की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। सो बी केयरफुल। क्लिनिकल साइंस की अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँगा तो उसके अंदर जो होता है मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक, ऑब्स्ट्रेट एंड गायनोकोलॉजिस्ट एंड फिस्ट्री। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है इंग्लिश, स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड इटालियन।
ये चार लैंग्वेज आती है, एक इटालियन में बोलना रह गया था। एग्ज़ाम फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो वही सेम है फीस, $200 to $300 डिपेंड ऑन द कंट्री, कौन सी कंट्री से आप एग्ज़ाम दे रहे हो। एग्ज़ाम जो देने का हम लोग आपको एडवाइस देते हैं वो होता है 6 ईयर के अंदर। इंडियन बच्चों को 4 साल के बाद दे सकते हैं और फॉरेन कंट्री के जो बच्चे होते हैं 6 ईयर के बाद दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ टेस्टिंग एग्ज़ाम, सो इसका मार्क्स कहीं पे भी कंसीडर नहीं होना, लेकिन आपका एक सेल्फ टेस्टिंग हो जाएगा। इसका अगर मंथ वाइज हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली फेब्रुआरी या मार्च होता है या नवंबर या दिसंबर होता है, उसके अंदर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। सो सीएससी देने के बाद आप यूएसएमएलई 2 भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद तुरंत से दे सकते हो, क्योंकि यूएसएमएलई 2 इट्स ओनली पासिंग एग्ज़ाम, इट्स नॉट अ क्वालिफाइड एग्ज़ाम, तो आपको पास होना है, दैट्स इट। सो आईफोम 2 ईजी रहता है, आईफोम 1 इट्स अ टिपिकल एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू द यूएसएमएलई 1। अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, तो बोथ काइंड ऑफ ऑप्शन इज अवेलेबल। कुछ कुछ जगह पे वेब बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कुछ जगह पे पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो आपको कौन सा देना है वो आपके ऊपर कंसीडर करता है। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 160 एमसीक्यूज़ आते हैं, 4 आवर्स टोटल 4 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहता है। 4 वीक से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और अगर आपको ये 4 घंटे के एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी आपको कुछ ब्रेक लेना है तो आपको जो एग्ज़ामिनर होता है उसकी परमिशन के बेस पे आपको ब्रेक मिल सकता है। तो मार्क्स इट्स नॉट नेसेसरी टू क्वालिफाइड द आईफोम एग्ज़ाम। सी फॉर मी इट्स अ टेस्टिंग फॉर योरसेल्फ ओनली, एज अ मेडिकल स्टूडेंट खुद को सेल्फ टेस्ट करते रहिए, जो मैंने पहले भी बोला था। वेब एग्ज़ाम जो रहती है 160 एमसीक्यूज की एग्ज़ाम रहती है, टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स है, डिवाइडेड इन 2 आवर्स ऑफ स्लॉट। 2 दिन से पहले अगर आप रजिस्टर करेंगे तो भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम, 15 मिनट का ब्रेक, अगेन 2 घंटे का एग्ज़ाम, एंड रिज़ल्ट जो होता है 2 वीक के बाद डिक्लेयर हो जाता है। ये जो पहले हमने बताया था ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम की बात की थी, ये जो है वेब बेस्ड एग्ज़ाम की बात है, दोनों में डिफरेंशिएट है थोड़ा बहुत। अगर आपको जल्दी देना है एग्ज़ाम, 2 दिन पहले ही आपको ऐसा ही करना है तो वेब बेस्ड आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। पेपर बेस्ड अगर लेंगे तो 4 वीक से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपका कुरियर होगा, वहाँ पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो सब प्रोसेस लेंदी रहती है। वेब बेस्ड में टोटली ऑनलाइन प्रोसेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको ECFMG रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए पहले क्या होगा, आपका ECFMG वेरिफिकेशन होगा। आप जो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो वो ECFMG अप्रूव्ड है कि नहीं है वो देखना है आपको। अगर यूनिवर्सिटी ECFMG अप्रूव्ड है तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिल पाएगी। सो कुछ बच्चे ऐसा यहाँ पे इंडिया पूछते हैं, सर हम यहाँ पे BSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, हम लोग USMLE कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर यहाँ पे है कि USMLE जब आप देने जा रहे हो तो ECFMG के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ECFMG के लिस्ट में होगा तो आप करो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है विदाउट द मेडिकल स्कूल। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के पास क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट ECFMG वेरीफाई के लिए आपको भेजना पड़ेगा। आपने भेजा, ECFMG चेक कर लिया, वो डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न भेजेंगे। उसके बाद आपका जो डीन होता है यूनिवर्सिटी का, उसके साइन स्टैम्प लगवाने पड़ेंगे, और वो जो स्टैम्प लगता है वहाँ पे सब चीज़ें मेंशन होती है कि आप कौन से स्टेट के स्टूडेंट हो, कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कौन सी कंट्री के स्टूडेंट हो, कौन से साल में आपने एडमिशन लिया था। उसके बेस पे आपका फिर आईफोम ECFMG के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ECFMG प्रोसेस आप आईफोम के अंदर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। दूसरा एक प्लस पॉइंट इस चीज़ का कि यही सेम चीज़ USMLE भी फॉलो करनी पड़ती है आपको। तो वंस यू विल रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन ECFMG then you don't have to register again in the ECFMG for the USMLE. तो ECFMG एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, मीन्स आप रजिस्टर हो गए वहाँ पे ECFMG के अंदर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पासिंग एंड फेल स्कोर इन द यूक्रेन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है,
वो है 602 एंड एवरी ईयर वो कट ऑफ चेंज हो जाता रहता है. अगर आप क्रॉक नहीं दे रहे हो, आप आईफॉम दे रहे हो, देन द पासिंग स्कोर रिक्वायर्ड इन आईफॉम इज 602 और हर साल वो चेंज होता है. सपोज इस साल 602 का है, उसकी जगह पे गिर गया और 500 आ गया, तो नेक्स्ट ईयर वो कट ऑफ हो जाएगा 500. ये पीछे मेरे स्क्रीन के ऊपर ये आपको एक कट ऑफ स्कोर दिख रहा होगा, जिसके अंदर एक आईफोम्स का स्कोर दिखा हुआ है और एक स्टेप वन का स्कोर दिखाया हुआ है. अगर आपका 400 मार्क्स आ रहा है, अगर आपका 400 मार्क्स आ रहा है आईफोम के अंदर, देन योर यूएसएमएलई स्कोर इज 133. इट्स अ जस्ट बेसिक कंपेरिजन चार्ट. ये हर साल थोड़ा वेरी करता रहेगा, लेकिन इट्स अ रेफरेंस चार्ट. अगर आप आईफोम में इतना स्कोर कर रहे हो तो आप यूएसएमएलई इतना कर पाओगे, वो एक कंसिडर करने के लिए. ये एक कंपेरिजन चार्ट बनाया हुआ है, जैसे आईलेट्स का हो एक टॉफिल का कंपेरिजन चार्ट होता है इंग्लिश के लिए, वैसे यहाँ पे एक कंसिडरेशन चार्ट हमने बनाया हुआ है कि आप खुद को एक लेवल कंसिडर करके बता सकते हो कि भाई मेरा इतना स्कोर. सपोज आपका 640 स्कोर आया हुआ है, देन योर स्कोर इन द यूएसएमएलई 1 इज़ अ 205. इट्स नॉट अ क्वालिफाइड. 4 यूएसएमएलई क्वालिफाइड मार्क्स इज मोर देन 235. सो वॉट आईफॉम स्कोर यू रिक्वायर्ड? 740. If you will get 740 marks, then only you will able to reach 235 marks. अगर iPhone 2 की बात करता हूँ, CS2 के स्कोर के हिसाब से, CS2 के अंदर हम लोग USMLE 2 की बात करेंगे, तो वहाँ पे 190 को हम लोग कंसिडर करते हैं पासिंग मार्क्स. तो 190 के हिसाब से आपका 560 मार्क्स आना चाहिए iPhone के अंदर, तब जाके आप पास हो पाओगे. अगर पास नहीं होते तो आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए. ये चीज़ें ध्यान रखनी. ये जो स्कोर रिपोर्ट पीछे रखा हुआ है हमने, फॉर द यूएसएमएलई 1 एंड फॉर द यूएसएमएलई 2, यू विल एबल टू जज योर सेल्फ ऑन व्हाट लेवल यू आर. जैसे मैंने आपको बताया, एज ऑफ नाउ आईफॉम इट्स नॉट अ कंपलसरी एग्जाम इन द यूक्रेन, बट इन फ्यूचर इफ दे विल कंसिडर इट, देन इट विल गोइंग टू कंपलसरी, बट इट्स नॉट अ रिस्की पार्ट फॉर द स्टूडेंट. It's just a testing exam. Test yourself. That's it. लेकिन वो टेस्टिंग की बात है, साथ में एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ कि जो US का यूक्रेन का पैटर्न है क्रॉक का और आईफोम का, वो एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे. अगर क्रॉक की जगह पे आईफोम आता है, चांसेस कम है आने के, लेकिन अगर बच्चा देता है तो उसके लिए अच्छी चीज़ है. ये आईफोम देना चाहिए. बाद अगर हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जो हमने एक चीज़ बोली एग्ज़ाम के अंदर क्रॉक, तो हम इसके बाद जो वीडियो लेके आएंगे वो आएंगे क्रॉक के बारे में. कई लोगों को गैर समझ है, कई लोगों को पता नहीं है, मिसगाइड हो रहे हैं. तो अगर आपको इससे और यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारी चाहिए हो आपको, तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. वी हैव अ मल्टीपल ऑफिसेज अक्रॉस द इंडिया, करीबन 20 प्लस ऑफिसेज हैं हमारे पास. हमारे हर एक काउंसलर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. सी दिस काइंड ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन द अदर एजेंट विल नॉट प्रोवाइड यू, बट येस वंस आई विल लॉन्च दिस वीडियो, सो मेनी अदर कंसल्टेंट विल गोइंग टू लॉन्च दिस सेम वीडियो. बट द बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल रही है, लीजिए. एज ए मेडिकल स्टूडेंट जितना होता है उतना नया एडॉप्ट करने को ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप मार्केट के अंदर आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सी कोई भी फील्ड हो, मैं सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, कोई भी फील्ड में खुद को इम्प्रोवाइज करना चाहिए. अगर खुद को आपने इम्प्रूव किया, देन पीपल विल रिस्पेक्ट अबाउट यू. आप कुछ नया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ नया दे रहे हैं, तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा. सो आईफोम को कोई हर्डन गिनने की ज़रूरत नहीं है. आईफोम को फॉर द टेस्टिंग योरसेल्फ, खुद को एक चेक कीजिए कि भाई आप कितने पानी में हैं. सी एक बात होती है,
मैं बोल दूंगा भाई रशिया अच्छा है, मैं बोल दूंगा चाइना अच्छा है, मैं बोल दूंगा बेलारूस अच्छा है, मैं बोल दूंगा यूक्रेन अच्छा है, मैं बोल दूंगा कजाकिस्तान अच्छा है, कैरेबियन अच्छा है। हम कंसल्टेंट हैं, हमारी प्रोडक्ट को अच्छी बताएंगे, दूसरे लोग उनकी प्रोडक्ट को अच्छी बताएंगे। आप मिसगाइड हो रहे हो। मैं कोई एक यूनिवर्सिटी में जाके एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, उससे मैं पूछ रहा हूँ, वो चीज़ वहाँ की अच्छी बताएगा। रीज़न, क्योंकि वो जो कंट्री में गया है, फॉर एग्जांपल वो वहाँ पे बेलारूस में गया है, या फिर वो यूक्रेन में गया है, फिर वो रशिया में गया है, या फिर वो चाइना या किर्गिस्तान कहीं पर गया है, उसने दूसरी कंट्री का एजुकेशन लेवल देखा ही नहीं है। वो कुएं का मेंढक है, एक बाउंड्री में वो बंद है, वहाँ से वो बाहर निकल के उसको पता नहीं है कि इससे बेटर कुछ है। जहाँ तक वो एक्सपोज नहीं करेगा, उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा उसको। सो किसी भी बच्चे के व्यू पे मत जाइए। कोई जाके आपको वहाँ पे एक दिन वीडियो बना के दिखा रहा है यूनिवर्सिटी का, मीन्स उसका मतलब नहीं है कि पूरे 6 साल भर वहाँ पे रुकने वाला है बच्चे के साथ। उसका खुद का कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं, वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, और उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो। दिक्कत यहाँ पे आ रही है। अगर मेडिसिन की बात करूँ तो मेडिसिन का उनको एम का नॉलेज भी नहीं होता है। सो ऐसे जो लोग हैं उनसे बच के रहिए। जो भी होता है, बेटर फ्यूचर आपको बनाने की ज़रूरत है, आपको रिसर्च करना है, आपको स्टडी करना है। What is the better option for you? So, IFOM को मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन स्टूडेंट्स से एज वेल एज अब्रॉड स्टूडेंट्स से, इट्स नॉट अ मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। यू विल एबल टू रजिस्टर योर सेल्फ इन द ECFMG एज वेल एज इन द IFOM। यू डोंट रिक्वायर्ड एनी अदर पर्सन हेल्प, बट आफ्टर दैट इफ यू विल रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन कॉन्टेक्ट अस। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं, हमको मिल सकते हैं, हम लोग आपको इसके लिए हेल्प करेंगे। इवन हम लोग USMLE का वीडियो भी बनाएंगे। कोई बच्चा डॉक्टर हो चुका है, उसको PG के लिए USA जाना है, देन ऑल्सो प्लीज़ वेलकम, वी विल हेल्प यू आउट। सो थैंक्स फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लग रहा है, मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।